स्टूडेंट था अपन टॉपिक वर्ब्स एंड टेंसेस। वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है किसी पर्सन और थिंग के बारे में। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, हरी लाफ्स, हरी हंसता है। वो तो क्या करता है? वह हंसता है। नेक्स्ट, हरी स्कोल्डेड, हरी को डांट लगी। तो क्या हुआ उसके साथ? उसको डांट लगी, तो ये एक्शन हुआ। ऊपर आपने एक्शन देखा, लाफ बहसता है। थर्ड, हरी इज अ डॉक्टर, हरी एक डॉक्टर है। तो हरी के बारे में बताया कि वो डॉक्टर है, तो इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब था, स्कोल्डेड मेन वर्ब थी, और फर्स्ट सेंटेंस में लाफ जो है वो मेन वर्ब थी। अब इनको और समझने के लिए नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे वर्ब आर ऑफ फोर टाइप्स। वर्ब फोर तरह की होती है, बेसिकली फोर तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसलेटिव वर्ब, दीज वर्ब हैव ऑब्जेक्ट्स, ये जो वर्ब है इनमें ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, मदन एट अ मैंगो, मदन ने एक आम खाया। तो क्या खाया? अ मैंगो। तो अ मैंगो जो है ऑब्जेक्ट और एट जो है यहाँ पर वर्ब है। नाउ कम टू सेकेंड इंटरनेटिव वर्ब, दीज वर्ब डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। इन वर्ब के साथ हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। तो ये सेंस को पूरा कर रहा है, इसलिए सेंटेंस में वर्ब के बाद यानी शाइन के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया, तो उसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाउ कम टू नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब, इन दिस वर्ब कॉम्प्लीमेंट इज यूज टू कम्प्लीट द सेंस। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो वर्ब है कॉम्प्लीमेंट उनके साथ यूज़ किया गया है, जिससे कि वो सेंस पूरा कर सकते हैं। ही इज़ हैप्पी, तो यहाँ देखेंगे इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, और हैप्पी जो कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि वो सेंस को पूरा कर रहा है। विदाउट कॉम्प्लीमेंट यू कैन नॉट मेक द सेंटेंस लाइक दिस, ही इज़ हैप्पी। अगर हम ही इज़ हैप्पी लिखते हैं तो उसका सेंस नहीं आ रहा, इसलिए अगर हम हैप्पी को लगाते हैं तब जाके सेंस पूरा होता है। इसलिए लिंकिंग वर्ब की इम्पोर्टेंस यहाँ हम समझ सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट को भी समझ सकते हैं। नाउ ऑग्ज़िलरी वर्ब, दीज वर्ब हेल्प मेन वर्ब टू मेक टेंस। यहाँ मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है, जिससे कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस फॉर्मेशन में हेल्प कर सकें मेन वर्ब के साथ यूज होकर। एग्जाम्पल, हरी हैज़ लॉस्ट अ बॉल, हरी एक बॉल खो चुका है। तो हम देख सकते हैं हैज़ ऑग्ज़िलरी वर्ब है और लॉस्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, या कह सकते हैं एक तरीके से मेन वर्ब फॉर्मेशन में है। तो ये एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हरी इज रीडिंग अ बुक। यहाँ देखेंगे हरी एक किताब पढ़ रहा है, तो इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस टेंस के साथ कहाँ कैसे यूज होती है। अब हम आगे बात करेंगे टेंसेस के बारे में। नाउ वी कम टू टेंसेस। टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, थ्री तरह के टेंसेस होते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिमिलरली पास्ट में भी इसी तरीके से इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर में भी, तो आप देख सकते हैं इस टाइप की फॉर्मेशन में जो ये चार्ट है जिससे आप इसको समझ सकते हैं। टेंसेस को समझने से पहले सेंटेंस को समझना जरूरी है कि सेंटेंस बनते कैसे हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। तो फर्स्ट फॉर्मेशन है असर्टिव की, सेंटेंस है राम इज डूइंग हिज वर्क, राम अपना काम कर रहा है। तो राम जो है वो सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग मेन वर्ब है, और हिज वर्क ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव में नॉट इस सेंटेंस में लग सकता है, जैसे कि राम इज नॉट डूइंग हिज वर्क, तो हमने डूइंग से पहले नॉट को लगा दिया और हेल्पिंग वर्ब से के बाद इसको लगाया है। तो नॉट को हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच हम इसे यूज कर सकते हैं नेगेटिव फॉर्मेशन में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होंगे। फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस है, इज़ राम डूइंग हिज वर्क, क्या राम अपना काम कर रहा है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है इज़,
उसके बाद हमने राम को यूज़ किया, वो सब्जेक्ट है, डूइंग मेन वर्ब है, हिज वर्ब ऑब्जेक्ट है। तो उसका सेक्शन देख सकते हैं सेंटेंस का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप की फॉर्मेशन इंटरोगेटिव सेंटेंस की हुई, जो कि पॉजिटिव फॉर्म सेंटेंस है इंटरोगेटिव का। नेक्स्ट, इज राम नॉट डूइंग हिज वर्क, इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव फॉर्मेशन में राम के बाद नॉट लग जाएगा और सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ नॉट का यूज हम एक्स्ट्रा इसमें करेंगे जिससे कि वो नेगेटिव फॉर्मेशन में आ जाएगा। सेकंड टाइप, डब्ल्यूएच टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, जैसे कि एग्जांपल है, व्हाई इज राम डूइंग हिज वर्क, राम अपना काम क्यों कर रहा है, तो डब्ल्यूएच टाइप वर्ड हम यूज करेंगे। उसके बाद इज हेल्पिंग वर्क की तरह यूज होगा, फिर राम सब्जेक्ट है, डूइंग मेन वर्ब है और हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क को हमने यूज किया है। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये फॉर्मेशन रहेगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डब्ल्यू एच टाइप की। इसमें अगर हम नॉट लगा देते हैं तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच टाइप का बन जाएगा, जैसे कि राम इज सॉरी व्हाई इज राम नॉट डूइंग हिज वर्क, तो नॉट लग जाएगा राम के बाद, तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाई इज राम नॉट डूइंग हिज वर्क, वो नेगेटिव फॉर्मेशन में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट, we close this topic.